So guys, let's discuss this question. Question is, at a price of rupees 5 per unit of a commodity A, total revenue is 800. देखो, price कितना है? Rupees 5. Rupees 5 per unit हमारा price है. And इस price पर total revenue कितना है? तो वो है 800. तो इसी प्राइस पर मेरी क्वांटिटी कितनी होगी? तो मेरी जो क्वांटिटी होगी वो होगी 160. कैसे निकली? तो यार, टोटल रिवेन्यू का या रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो अगर टोटल रिवेन्यू अपॉन प्राइस कर दूंगा तो मेरी क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी. तो 800 अपॉन 5 करा तो 160 यूनिट्स मेरी क्वांटिटी आ गई. व्हेन इट्स प्राइस राइजेस बाय 20%, तो अब इसका प्राइस 20% राइज हो गया. ठीक है, प्राइस कितना राइज हो गया? 20%. तो 5 का 20% निकालता हूं पहले. ठीक है, 5 जो है, 5 कितनी है? 100% की वैल्यू है. इसी का 20% अगर निकालोगे, 5 का 20% कैसे निकलेगा? 20/100 इंटू 5 करेंगे तो 20% ऑफ 5 की वैल्यू निकल कर आएगी 1. तो मतलब चेंज इन प्राइस कितना है? चेंज इन प्राइस हमें देखने को मिला 1 रुपीस का. ठीक है, चेंज इन प्राइस मुझे 1 रुपीस का देखने को मिला. इसका मतलब, और यहां पर क्या बोला है, प्राइस राइजेस, तो 5 से प्राइस कितना हो जाएगा? 6 रुपीस हो जाएगा. ठीक है सर, प्राइस 5 से 6 रुपए हो गया, जिसकी वजह से टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेस बाय 400 यूनिट्स. टोटल रिवेन्यू 400 यूनिट से राइज हो गई. तो टोटल रिवेन्यू 800 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 1200. तो रुपीज 1200 टोटल रिवेन्यू आ गया. तो क्वांटिटी, जो मेरी न्यू क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 200 यूनिट्स हो जाएगी. कैसे निकाली भाई? 1200 अपॉन 60 कर दो, 1200 अपॉन 6 कर दो, तो 200 यूनिट्स ही निकल कर आएगा. इनिशियल प्राइस मेरे पास आ गया, न्यू प्राइस मेरे पास आ गया, इनिशियल क्वांटिटी मेरे पास आ गई 160 यूनिट्स, न्यू क्वांटिटी मेरे पास आ गई 200 यूनिट्स, एंड चेंज इन क्वांटिटी भी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, वो मेरा आएगा 40 यूनिट्स. हमारे सामने आया 160 से 200 हुआ तो 40 यूनिट्स आंसर आ गया. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी. चेंज इन क्वांटिटी इज 40, चेंज इन प्राइस इज 1, इनिशियल प्राइस इज 5 एंड इनिशियल क्वांटिटी इज 160. 0 से 0 एलिमिनेट, 4 वन ज़ा, 4 फोर ज़ा 16, 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 की वैल्यू निकालो तो वो निकल कर आएगी 1.25. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1.25 है, तो हम इसको बोलेंगे इलास्टिक सप्लाई. इसका नाम क्या होगा? इसको हम इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे. क्यों इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे? इलास्टिक सप्लाई वो होती है जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, एंड 1.25 इज ग्रेटर देन 1, दैट्स वाई इट इज एन इलास्टिक सप्लाई. ठीक है ना, हमसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मांगा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो हमने निकाल कर दे दिया, दैट इज 1.25. थैंक यू.